हौसला तोड़ के एक कर दिया और ये तोड़ के ये हौसला तोड़ना चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। बाहुबली नेता अतीक अहमद के साड़ू इमरान और उनके भाई जिशान उर्फ जानू के बीच के विवाद में अब AIMIM भी सामने आ गई है। AIMIM के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अतीक अहमद के साड़ू इमरान जई और जिशान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। AIMIM के नेताओं का आरोप है कि राजनीति में सक्रिय होने के कारण अतीक अहमद के छोटे बेटे पर साजिश करके FIR कराई गई है, जबकि अली मौके पर गया भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के सुप्रीमो के साथ अली अतीक जो एक्टिव थे और हर जगह वो रैली में जा रहे थे और जो पूरे दलित पिछड़े मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनके साथ 70-75 सालों में नाम निहाल सेकुलर पार्टियों ने क्या किया है, तो उनको फंसाने के लिए जो व्यक्ति स्पॉट पे करेली की घटना में स्पॉट पे ना हो, मौजूद ना हो, उनका भी 307, 308 और तमाम तरह की धाराएं दे दी, तो हम लोग उनको पहले लीगली प्रोटेक्ट करके एंटीसिपेटरी बेल है हाईकोर्ट सर, चूँकि उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, वो एक एक पूरा इसी तरह के फर्जी FIR करके उनको क्रिमिनल हिस्ट्री बना के उनको ऊपर भी फरारी मौजूद भी नहीं था करेली की परसों की घटना में, इतनी गंभीर धारा में उनके ऊपर FIR भी कर दी। ये हमारा आप हमारा मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए इस तरह के FIR, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। AIMIM को रोकने के लिए AIMIM को रोकने के लिए लगातार 5 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे नेताओं पे रासुका गैंगस्टर इस तरह के FIR की, तो एक बाढ़ सी हर कार्यकर्ता दूसरे तीसरे कार्यकर्ता पर आपको एक मुकदमा मिल जाएगा। हमारे एनुद्दीनपुर में जमीन कब्जे और अतीक अहमद द्वारा 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस अतीक के छोटे बेटे अली पर मुकदमे के सभी वांछितों की तलाश में जुटी है। पुलिस अब अतीक अहमद के बेटे और अन्य लोगों पर इनाम घोषित करने का भी प्रोसेस शुरू कर चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मौके से एक फार्चूनर मिली, कुछ लोग भाग गए पुलिस को देख करके। फहद और सैफ नामक दो लड़के असलहे के साथ पकड़े गए हैं और फार्चूनर भी बरामद कर ली गई है। संज्ञान में ये बात आई है कि इन लोगों का आपसी विवाद रहा है, जिशान और अली ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और कोई ज़मीन रही है एनुद्दीनपुर की, इसी को लेकर के विवाद हुआ है कि मेरी है इस तरह करके बात आई है। जमीन के संबंध में PDA और नगर निगम के माध्यम से पत्राचार करके ये देखा जाए कि ज़मीन किसकी है और उस तरह से ज़मीन के बारे में भी कार्रवाई की जाएगी। सभी के विरुद्ध अभियोग 307, 308 और बड़ी धाराओं में लिखा गया है। दो लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, शेष अन्य के विरुद्ध भी दबिश चल रही है, अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद और उनके परिवार के लोग 5 महीने पहले AIMIM में शामिल हुए थे। अतीक अहमद का बड़ा बेटा काफ़ी सालों से फरार है और अब अली पर मुकदमा दर्ज होने से अतीक का परिवार राजनीतिक सफर में फिर से पीछे हो गया है, जिसके कारण पार्टी के नेताओं को खुद सामने आना पड़ा। AIMIM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतीक के साड़ू इमरान और उनके भाई पर आरोप लगाया कि इमरान खुद भू माफिया हैं और इन दोनों भाइयों ने कटौला, गौसपुर, करेली, भीटी, नैनी, झूसी सहित लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच में ये लोग रियल इस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। इन लोगों ने सिर्फ अतीक अहमद को गुमराह करके अपना अलग ही साम्राज्य खड़ा किया है। इसको ये कहना है कि ये पूरा शहर क्या पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि ज़मीन का लूटपाट का किसका काम है, वो कौन करता है। मेरे भाई को आज 5 साल ज़बरदस्ती जो है टॉर्चर किया जा रहा था उनको गलत काम करने के लिए कि जाओ उसकी जाके ज़मीन कब्जा कर लो, जाओ ये कर लो। जब मेरा भाई ने इनकार किया, उसने इस नंबर को बंद कर दिया, तो लगातार उसको ढूंढने लगे, फिर मुझे टॉर्चर करने लगे, मुझे ढूंढने लगे, हमने मोबाइल बंद कर दिया। ना ही तो हमने आज तक कभी किसी की ज़मीन जायदाद कब्जा करी है और ना ही तो कोई कभी कोई हमारे पर इल्ज़ाम लगा सकता है। अब इनको ये दिख रहा है कि हम यहाँ से बहराइच तक काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं इसके लिए कोर्ट ऑफ कंटम करूँगा। इन्होंने सारे जो इल्ज़ाम लगाए हैं मुकदमे से ले कर और ये कंपनी वाले, पहली बात उस कंपनियों में मैं डायरेक्टर नहीं हूँ और हैं 2-3 कंपनियाँ, अगर मेरे उसमें डायरेक्टर हूँ तो उसका मैं अकाउंट इनकम टैक्स पे करता हूँ। कोई मतलब मैं किसी की ज़मीन कब्जा करके या उसमें लिखा पढ़ी नहीं कराता हूँ, व्यापार करता हूँ। व्यापार करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इनसे ये पूछा जाए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से इनके लड़के चढ़ रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी भी एनुद्दीनपुर में जहाँ मेरे प्लाट को गिराया गया, कब्जा करा गया, जहाँ मुझसे रंगदारी मांगी गई, उसी के ठीक बगल में भी मशीनें चल रही हैं और प्रशासन इस पर पूरी कार्रवाई करने के मूड में आ गया है और प्रशासन ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये जो अब AIMIM के जो भी ये नेता हैं इनसे ये सवाल किया जाए कि ये AIMIM पार्टी में है, ये बताएं कौन सा काम कर रहे हैं। ये भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर कर रहे हैं।
अब ये उनके अध्यक्ष साहब अवैसी साहब उनको तो वहाँ कोई जानकारी होगी नहीं, और है तो ऐसे लोगों को वो पार्टी में क्यों रखे हुए हैं, उनके पार्टी में सब पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, ऐसे माफिया को जिसके ऊपर सैकड़ों ज़मीन के मुकदमे, ज़मीन लूटने के रोज़ मुकदमे लगते हैं, रोज़ किसी न किसी को मारने के पीड़ने के, यहाँ तक मोहित को मारा गया, उसकी कंपनी वहाँ पलटवा ली गई, क्या वो भी झूठा मुकदमा था? हाँ, जैद को मारा गया, क्या वो भी झूठा मुकदमा था? हाँ, मेरे साथ वही हुआ कि ये सब झूठे, मुझे सब झूठे हैं, इनका कहने मतलब ये सही है, जो आज अतीक अहमद है वो शरीफ आदमी हैं, उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं। बाहुबली नेता अतीक अहमद पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज है। कई मामलों में अतीक के साड़ू इमरान और जिशान भी अतीक के साथ सह अभियुक्त हैं। इमरान पर 14 मुकदमे दर्ज हैं और सरकार द्वारा एंटी माफिया अभियान में इनके घर पर बुलडोजर भी चला था। अब दोनों में अदावत है तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है।